तो आप में से जिसने भी हमारी रामा छोले भटूरे वाली वीडियो देखी है उसको ये पता होगा कि हम छोले भटूरे खाने के बाद सीधा क्रीमी फन गए जिन्होंने भी रामा छोले भटूरे वाली वीडियो नहीं देखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया वहां से जाके देख सकते हो एंड जिसको ये भी नहीं पता कि रामा छोले भटूरे क्या है तो उनको मैं बता दू कि दिल्ली के तिलक नगर में एक छोले भटूरे की शॉप है एंड जो विराट कोहली का इंटरव्यू हुआ था ना एक बार तो उन्होंने बताया था कि उनको यहाँ के छोले भटूरे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो हमने सोचा कि हम भी जाके ट्राई करते हैं तो लिंक मैंने नीचे मैंशन कर दिया वहां से देख सकते हो वो वाला यार ने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया आप चला तो हम वापस आ जाते हैं हमारी क्रीमी फन वाली वीडियो पे तो क्रीमी फन बेसिकली एक आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पे हम छोले बटोरे खाने के बाद आइसक्रीम खाने जाते हैं आपको ना आइसक्रीम के ऑलमोस्ट प्लस डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे उसके साथ आपको आइसक्रीम 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 शेक सोडा संडेज फ्रूट क्रीम रोल भी मिलेंगे वैसे तो यहाँ बहुत सारी वराइटीज है आइसक्रीम की लेकिन हमें यहाँ के आइसक्रीम रोल्स बहुत पसंद है उसमें भी स्पेशली नुटेला ब्राउनी रोल जिसका कॉस्ट वन सेवेंटी लेकिन 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 उस दिन हमें कुछ ना बहुत ज्यादा चॉकलेटी सा खाने का मन था इसलिए हमने ना ब्राउनी की जगह उसमें बेल्जियन चॉकलेट एड करा दी तो वो न्यूटेला रोल की जगह बेल्जियम न्यूटेला चॉकलेट रोल हो गया था हमारा और वो हमें पड़ा था टू हंड्रेड रुपीज का सबसे बेस्ट बात यही है आप सकते हो अपनी मर्जी से जो भी मेन्यू में बट उसके ना थोड़े जीप से देने तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लिया बेल्जियम आइसक्रीका स्कूप उसके बाद बिया ने ऊपर डाली थोड़ी सी क्रीम और उसके बाद इसको मैश और मिक्स कर दिया बयाने जैसे आप देख सकते हो सामने मैश और मिक्स हो रहा है और कितना टेस्टी लग रहा है सच्ची में और भैया डाल रहा है इसके ऊपर हर सिरप और आप देख सकते हो भैया इससे डिजाइन से हर सिरप डाल रही

अगर आपने भी कभी आइसक्रीम रोल खाया तो नीचे कमेंट्स करके बताओ और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर